Now, we are going to learn use of to be. And the present forms of to be are, I am, is, are. हम to be के वर्तमान काली रूप, I am, is, are का उपयोग पढ़ने जा रहे हैं. Subject कर्ता अगर I होता है, तो I am का use किया जाता है. Subject एकवचन होता है, तो is का उपयोग किया जाता है. और subject कर्ता you और अनेकवचन होता है, तो are का उपयोग किया जाता है. इस टू बी के प्रेजेंट फॉर्म्स और अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड पर आधारित इस टू बी के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम के लिए आएगा यू. सब्जेक्ट ढूंढने के बाद उस सेंटेंस में से दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए उस सेंटेंस के लास्ट में जाकर धीरे 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 पीछे आते हुए हमें उस वाक्य को अंग्रेजी में बनाना होता है. उसे रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड कहते हैं. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम के लिए आएगा यू. फिर उसके बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए उस वाक्य के लास्ट में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है, ये हमें देखना होता है. इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है हो के लिए आएगा आई एम, इज और आर. तुम के साथ आर आता है, इसलिए इस हो के लिए आएगा आर, यू आर. फिर उसके अहली ओर यहाँ दो के ऊपर है आजाद, आजाद के लिए आएगा फ्री. उसके अहली ओर तीन के ऊपर है के लिए आएगा टू. उसके अहली ओर चार के ऊपर है जाने, जाने के लिए गो. उसके अहली ओर पांच के ऊपर कहीं भी के लिए आएगा एनी वेयर. देखिए यू, एक के ऊपर हो के लिए आर, दो के ऊपर आजाद के लिए फ्री. उसके अहली ओर तीन के ऊपर के लिए टू. उसके अहली ओर चार के ऊपर जाने के लिए गो. उसके अहली ओर पांच के ऊपर कहीं भी के लिए एनी वेयर. देखिए यू आर फ्री टू गो एनी वेयर. अगला सेंटेंस है वह सहायता करने तैयार है. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है. सब्जेक्ट है वह के लिए आएगा सी. फिर दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे उस सेंटेंस के लास्ट में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है, ये देखना होता है. इस सेंटेंस के लास्ट में इस एक के ऊपर है के लिए आएगा एम, इज और आर. वह के लिए सी एकवचन होने की वजह से है के लिए आएगा इज, सी इज. उसके अहली ओर दो के ऊपर है तैयार के लिए आएगा रेडी. उसके अहली ओर तीन के ऊपर है ने के लिए आएगा टू. और सहायता करने का फर्स्ट फॉर्म है हेल्प. देखिए सी, एक के ऊपर है के लिए इज, दो के ऊपर तैयार के लिए रेडी, तीन के ऊपर ने के लिए टू, चार के ऊपर सहायता कर के लिए हेल्प. देखिए सी इज रेडी टू हेल्प. अगला सेंटेंस है तुम कुछ भी करने के लिए आजाद हो. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है. यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम के लिए यू. फिर उस वाक्य में से दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे वाक्य के लास्ट में एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है, ये हमें देखना होता है. इस सेंटेंस के लास्ट में इस एक के ऊपर है हो के लिए आएगा आर. उसके अहली ओर दो के ऊपर है आजाद, आजाद के लिए आएगा फ्री. उसके अहली ओर तीन के ऊपर है के लिए आएगा टू. उसके अहली ओर चार के ऊपर है करने के लिए आएगा डू. उसके अहली ओर पांच के ऊपर है कुछ भी के लिए आएगा एनीथिंग. देखिए यू, एक के ऊपर हो के लिए आर, दो के ऊपर आजाद के लिए फ्री, तीन के ऊपर के लिए टू, चार के ऊपर करने के लिए डू, पांच के ऊपर कुछ भी के लिए एनीथिंग. देखिए यू आर फ्री टू डू एनीथिंग. अगला सेंटेंस है तुम कहीं भी कार्य करने के लिए आजाद हो. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम के लिए आएगा यू. इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है हो के लिए आएगा आर. उसके अहली ओर दो के ऊपर है आजाद, आजाद के लिए फ्री. उसके अहली ओर तीन के ऊपर है के लिए आएगा टू. उसके अहली ओर चार के ऊपर है कार्य करने के लिए वर्क. उसके अहली ओर पांच के ऊपर है कहीं भी के लिए एनीवेयर. देखिए यू आर फ्री टू वर्क एनीवेयर. अगला सेंटेंस है राहुल कमरे में है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राहुल. फिर उस वाक्य में से दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द है, यह हमें देखना होता है. इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है के लिए आएगा इज. उसके अहली ओर दो के ऊपर है मे के लिए आएगा इन. उसके अहली ओर तीन के ऊपर है कमरा,
कमरा के लिए राहुल, देखिए रूम, राहुल है के लिए इज, मे के लिए इन और कमरा के लिए रूम, राहुल इज इन द रूम। फिर से देखिए, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, ही इज रेडी टू हेल्प, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, यू आर फ्री टू वर्क एनीवेयर, राहुल इज इन द रूम। इतनी सिंपल रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड है। इस सिंपल रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से हमने टू बी के जो प्रेजेंट फॉर्म है एम इज आर, उनका उपयोग करके वाक्य कैसे बनाए जा सकते हैं ये हमने पढ़ लिया है। और इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड पर आधारित मैंने यह किताब निकाली है जिसका नाम है स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 6-7 पन्नों पर मैंने इसके रूल्स दिए हैं, जो इस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो 1, 2, 3, 5, 6 ये जो नंबर्स दिए गए, जो अंक दिए गए, रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, इस मेथड का उपयोग कैसे करनी चाहिए, उसके 10 या 15 रूल पहले 8 या 10 पन्नों पर है। उसके बाद अंग्रेजी में, हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस, यानी व्याकरण, ग्रामर, जिसमें टेंस काल सबसे महत्वपूर्ण होता है, कौन से काल का कब इस्तेमाल करना चाहिए, हिंदी सेंटेंस के, हिंदी वाक्यों के एंड में कौन से शब्द आए तो कौन से काल का यूज करना चाहिए, यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। उसके बाद टू बी के जो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म, टू हैव के प्रेजेंट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म कैसे यूज करना चाहिए ये यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। उसके बाद प्रश्नार्थी वाक्य, अज्ञार्थी वाक्य, फिर यू वाइज, पैसिव वाइज का यूज कैसा करना चाहिए, डिग्री का यूज कैसे कैसे करना चाहिए, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, ये जो सभी भाग जो IAS, IPS और UPSC एग्जाम में जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर वो हिंदी में दिया गया है, और वही भाग उसके दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में इन नंबर के साथ, इन अंकों के साथ, इस अंडरलाइन के साथ दिया गया है। लेकिन विद्यार्थियों को यह किताब कैसे पढ़ने, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी भाग इस पहले पन्ने पर हिंदी में है और उसके दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में है, लेकिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है, लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक है उन अंकों की मदद से, उसकी हेल्प से उन वाक्यों को, उन निबंधों को, उन पत्रों को, उन भाषाओं को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करनी है। पहली बार आप जब कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती, आपकी तकलीफ होती है, आप वाक्य स्पीड से नहीं बना सकते, लेकिन 15-20 दिन आप इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद इतनी स्पीड आ जाती है कि इस किताब में से सभी निबंध, सभी पत्र, सभी भाषण आप हिंदी की ओर देखते हुए, मैं जिस स्पीड से आप बात कर रहा हूँ उस स्पीड से आप अंग्रेजी बोल सकोगे। और इतने सभी करने के बाद अपने दिमाग में एक गति, स्पीड प्राप्त होती है, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आए, कोई भी वाक्य आए, फिर इन अंगों की जरूरत नहीं पड़ती। आपके दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस जिस स्पीड से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस स्पीड से आप अंग्रेजी में बोल सकोगे। इतनी स्पीड से कोई भी वाक्य आप अंग्रेजी में बोल सकने के बाद आप अंग्रेजी बोल सकते हो। अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि इतनी सिंपल टेक्निक है जो सहजता से सिंपली इतने आपके दिमाग में आ सकती है, आपको समझ सकती है, उस पर यह डिपेंडेंट किताब मैं कैसे पा सकता हूँ, ये सवाल आपके दिमाग में होगा। इसका सिंपल सा एक आइडिया आपको हमने क्रिएट किया है जो इस किताब आपको जल्द से प्राप्त कर देगा। हमारा मोबाइल नंबर है, देखिए क्या है, हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। यह हमारा मोबाइल नंबर है, देखिए क्या है हमारा मोबाइल नंबर 8983006177। यह हमारा मोबाइल नंबर है। आपको इस मोबाइल पर आपका कंप्लीट नेम, आपका कंप्लीट नाम और आपका कंप्लीट एड्रेस, जिसमें और आपका स्टेट जो भी हो, राजस्थान, गुजरात, बिहार, जो भी स्टेट हो, इसका पूरा एक एड्रेस इस नंबर पर SMS के जरिए आपको भेजना है। आपका SMS हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर आपको यह किताब और इसके साथ हमारा इस तरह से जो गाइडेंस रहा हुआ, जो इवन IAS, IPS, UPSC जो एग्जाम्स होते हैं, उस UPSC एग्जाम को नजरिए में रखकर जो हमारा गाइडेंस है, गाइडेंस रहा हुआ और अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत से ऐसे वीडियोस रहे हुए, एक DVD आपके एड्रेस पर इस किताब के साथ आएगी। उस DVD को आपको प्राप्त करने के बाद, इस किताब और वो DVD आपको मिलने के बाद, इसकी जो कीमत है 200 रुपये आपको पोस्टमैन को
देनी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द आप इस किताब को डीवीडी को प्राप्त करोगे और आपके फ्यूचर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंग्रेजी, उसे आप दूर हटाओगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।